बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस और विंटर स्पेशल सूजी का हलवा अपनी स्टाइल में बनाना सिखा रहे हैं। और तकरीबन ये 5 से 7 किलो हम बनाएंगे, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक ज़रूर देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ज़रूर दबाना है ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं। इसके लिए हमने बड़ा पतीला ले लिया है और इसके अंदर हम 1 किलो घी शामिल करेंगे। आपने 1 kg जो है घी ऐड करना है। जब भी आप सूजी का हलवा बनाएं तो आप कोशिश करें कि इसको घी में बनाएं, क्योंकि ऑयल में इसका वो टेस्ट नहीं आता। आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, आम घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ हम इसमें शामिल कर रहे हैं 200 ग्राम जितनी सब्ज़ इलायची, जिसको हमने ग्राइंड कर लिया है, और इसको हम शामिल कर देंगे। इससे बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आएगी हलवे में, और इसको हम अच्छी तरह से खुशबू आने तक हल्का सा भून लेंगे ताकि हमारा घी भी गर्म हो जाए और हमारी जो हमने इलायची डाली है इसको अच्छी तरह ज़रा इसका खुशबू और फ्लेवर जो है वो घी में शामिल हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन हमारा इंशाल्लाह ये हलवा तैयार होगा। इसके लिए 3 किलो मैंने सूजी ली है और ये टोटल तकरीबन 7 kg जितना हलवा बन जाएगा इंशाल्लाह। तो आपने किसी दावत या मिलाद या कहीं भी न्याज देनी हो तो उसके लिए आप इसको बना सकते हैं। तो क्वान्टिटी आपने ख्याल रखना है कि मैंने क्या क्या इसमें ऐड किया, ठीक है। 1 kg हमने घी ऐड किया था, जिसके अंदर 200 ग्राम हमने सब्ज़ इलायची जो है ग्राइंड करके ऐड की। अब हमने 3 kg जो है सेमोलिना यानी सूजी ऐड की, और इसकी अब मैंने भुनाई शुरू की है। ये देखें, सूजी ने सारा घी जो है वो अब्ज़ॉर्ब कर लिया है। आपने घी इससे ज़्यादा नहीं डालना, 1 किलो से ज़्यादा इसमें घी मत डालिएगा, वरना जब आपका हलवा तैयार होगा तो फिर वो ऊपर तरी की तरह आ जाएगा सारा घी, तो वो अच्छा नहीं लगता। बहुत अच्छी तरह से हम इसकी भुनाई करेंगे, तकरीबन 20 से 25 मिनट लग जाएंगे इसको भूनते हुए। इसका सुनहरी गोल्डन कलर आना चाहिए। अभी तकरीबन जब मैं इसको 10-15 मिनट भून लूँगी तो फिर मैं इसके अंदर 1/2 kg जो है मज़ीद घी ऐड करूँगी। ये देखें, मैंने 1/2 kg मज़ीद घी ऐड कर दिया है। 1.5 किलो तकरीबन अब मैंने इसमें घी ऐड किया है, क्योंकि सूजी हमारी फूलना शुरू हो गई है। आप ये समझिए कि 3 kg अगर आपका सूजी है आपकी, तो आपने 1/2 quantity में इसके घी रखना है। और इसको आपने अच्छी तरह से, ये देखें साइडों पे अब ये कलर इसका चेंज होना शुरू हो गया है। तो इसकी भुनाई करते हैं हम अच्छी तरह से। ये देखें, अब दरमियान में इसके बबल्स आने शुरू हो गए हैं। घी सूजी का हलवा घी में भूनते हैं जब, तो इसके जो कलर जब चेंज होता है, साथ ही इसकी खुशबू आना शुरू हो जाती है, जो कि इसकी पहचान है कि अब ये भुनाई पे आ रहा है। अब आपने ये ख्याल रखना है कि सूजी का हलवा जो है ये नीचे ना लगे, किनारों से फौरन ये जल्दी से ही कलर डार्क होना लग शुरू हो जाता है इसका। ये आपने बहुत ख्याल रखना है कि इसका कलर डार्क नहीं होना चाहिए, और इसको बहुत अच्छी तरह से हमने गोल्डन करना है। तकरीबन हमारे 20 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह से, और बहुत ही बेहतरीन, ये देखें सारी साइडों से हमने इसको हिला हिला कर अच्छी तरह से इक्वल सारा इसका कलर किया है। और मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैं इसको भून रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से इसका कलर हो गया है। अब मैं इसके अंदर चीनी शामिल कर दूंगी। बाज़ लोग जो हैं वो चीनी शामिल इसमें नहीं करते, कुछ लोग पानी और चीनी को मिक्स करके शीरा बना लेते हैं, लेकिन मैं इसमें शीरा नहीं शामिल कर रही। हम इसको बहुत आसान तरीके से आपको बता रहे हैं ताकि हर कोई इसको आसानी से बना सके। अब ये चीनी जो थी हमने इसके अंदर ऐड कर दी है, और चीनी हमारी तकरीबन जितना हमारा सूजी थी तकरीबन उससे थोड़ी सी कम, हमने 2.5 किलो तकरीबन चीनी ऐड की है। और 7 लीटर अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है, थोड़ा सा इसको चीनी को मिक्स किया, और 6 से 7 लीटर आप पहले पानी डालिएगा। मैंने तकरीबन 6.5 लीटर के करीब इसमें पानी ऐड किया है,
और इसको अब आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकने के लिए रख देना है। आप सोच रहे होंगे कि पानी बहुत ज़्यादा ऐड हो गया, नहीं, पानी जो है इससे सूजी जो है फूलेगी बहुत अच्छी तरह से और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही बेहतरीन इंशाल्लाह आपका ये हलवा तैयार होगा। तो अभी आपने इसको पकने देना है 15 से 20 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पे। ये माशाल्लाह 15 से 20 मिनट हो गए हैं तो ये पकना शुरू हुआ है और ये गाढ़ा हो रहा है, देखें। तो अब इसके अंदर हम लोगों ने मुख्तलिफ तरह की चीज़ें डालनी हैं। ये देखें, नारियल डाल दिया है, तकरीबन एक पाव जितना नारियल था, तो एक पाव जितने 250 ग्राम ही नारियल है, 250 ग्राम जितने ही हमने किशमिश ऐड किए हैं और बादाम भी तकरीबन हमने 250 ग्राम ही लिए, इक्वल क्वांटिटी में ले लिए हैं। बाकी आप ऊपर से जब गार्निश करेंगे तो जो मर्ज़ी डालिएगा। अंदर इसके डालने के लिए अच्छी तरह से जो है बादाम जो है उनको आपने बॉयल करके उनकी छिलका उतार के, तो वो आपने उनको काट लेना है, वो इसमें आप ऐड करेंगे। और जो किशमिश है उसको भी धो के साफ़ करके हमने भिगोया था, वो भी मैंने ऐड की है। ये देखें, 250 ग्राम हमने बादाम इसमें शामिल कर दिए हैं। बहुत ही लजीज और बहुत ही बेहतरीन माशाल्लाह से ये हमारा हलवा देखें तैयार हो गया है। कोई इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, आप 10 किलो भी बनाना चाहें तो बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। अब आपने आँच कर देनी है इसकी बंद और इसको आपने ढक्कन दे देना है। इसके ऊपर ढक्कन दे के इसको 5 से 10 मिनट छोड़ दें, जो इसकी बाकी कसर होगी वो खुद ही इसमें दम के अंदर कवर हो जाएगी। चलें, अब ये तमाम चीज़ें ड्राई फ्रूट, ये देखें माशाल्लाह इसमें कितने अच्छे लग रहे हैं। अब इसको गार्निश करके आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत, ये बॉक्सेस के अंदर आपने जब न्याज देनी हो तो किसी को अच्छे तरीके से दें, काजू बादाम पिस्ता चांदी के वर्क वगैरह लगाएं, तो आप इनको इस तरह से सर्व कर सकते हैं। हम लोगों ने इसको न्याज के लिए तैयार किया था, आप अपने घर के लिए, दावत के लिए या किसी भी मौके त्यौहार के लिए बना सकते हैं। ऊपर से गार्निश कीजिए अच्छी तरह, जो आपके बजट है, आप किशमिश भी डाल सकते हैं, सिर्फ बादाम भी डाल सकते हैं, इसके अलावा आप काजू ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी आपकी जेब इजाज़त देती है आप इसमें शामिल करें और इसको खूबसूरत सा डेकोरेट करके खुद भी खाएं, अपनी ख़ानदान में, फैमिली को, रिश्तेदारों को, मोहल्ले में, जहाँ भी तकसीम करना हो प्यारा प्यारा सा खूबसूरत सा बना के तकसीम करें। और उम्मीद करती हूँ आज आपको ये बहुत ही बेहतरीन और आसान जो हलवा है समझ आ गया होगा। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हलवा कैसा लगा। आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना है लाजमी और अपनी हलवे की तस्वीरें मुझे ज़रूर सेंड करनी है। अगर आप भी हलवा बनाएंगे तो विंटर स्पेशल ये हमने आपको डिज़र्ट बनाना सिखा दिया, और इंशाल्लाह जल्द ही मैं टुकड़ी हलवा भी, जो बहुत फरमाइश आ रही है, तो इंशाल्लाह सूजी का टुकड़ी वाला हलवा भी मैं जल्द ही आपको बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि सर्दियां आ रही हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सब के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है इंशाल्लाह से। तो इसके अलावा मैंने पंजीरी की रेसिपी भी आपको बनानी सिखाई थी, और ये थोड़े दिन पहले ग्रैनोला बार्स, बच्चों की नज़र वीकनेस और हमारी जो बेटियाँ हैं और न्यूली मदर्स जो होती हैं थक जाती हैं, थकावट वगैरह और पोस्ट डिलीवरी के बाद जिनमें ताकत नहीं रहती, उनके लिए पंजीरी बनानी सिखाई थी, ग्रैनोला बार्स बनाने सिखाए थे। तो वो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, आप लोगों ने ज़रूर देखना है। और बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब ये रेसिपीज़ हैं, इनको बहुत आसान तरीके से मैंने बनाया है ताकि हमारी बेटियाँ जो अभी कुकिंग करना सीख ही रही हैं वो भी आसानी से इनको बना लें। तो मुझे उम्मीद है ये आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा हलवा, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जितनी क्वांटिटी में भी बनाना चाहें, ज़्यादा बनाना चाहें तो इनको डबल कर लें या ट्रिपल कर लें, लेकिन ये मिकदार बिल्कुल आइडियल और परफेक्ट है, एक्यूरेट किस्म की ये मैंने आपको मिकदार बता दी है, तो इसके हिसाब से आप इसको बना लीजिएगा। और अगर आप थोड़ी मिकदार में बनाना चाहते हैं तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि अगर आपके पास एक कप सूजी है तो आपने उसके साथ चीनी भी एक कप ले लेनी है और आधा कप जो है घी ले लेना है। चीनी अगर आप कम खाते हैं तो आप पौना कप चीनी कर लें, ठीक है, एक कप सूजी, पौना कप चीनी और आधा कप घी डाल के, और 3 गुना ज़्यादा पानी ऐड करना है, यानी कि 3 कप आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो आपका थोड़ा सी मकदार में अगर हलवा बनाना चाहें तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं।
तो मैं इंशाल्लाह लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जितने भी विंटर स्पेशल रेसिपीज़ हैं तो आप लोग ज़रूर जाइए देखें और बनाइए। आई होप आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर मज़ीद कुछ विंटर स्पेशल डिज़र्ट्स वगैरह या कुछ सीखना चाहें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों को सिखाऊंगी। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।